मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जहां एक आदमी एक लड़की को धमका रहा होता है प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए। उस लड़की का नाम एना रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जहां कुछ लोग एक गाड़ी को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है और कहता है कि ये रिमोट से स्टार्ट होगी। उसका नाम फ्रैंक मार्टिन जूनियर रहता है। तभी जो लुटेरे रहते हैं वो फ्रैंक से रिमोट लेने की कोशिश करते हैं और फ्रैंक उन्हें मार वहां से चल देता है और पहुंचता है ब्रिटिश कॉन्सुलेट में। वहां से एक आदमी को निकलते हुए दिखाया जाता है जो फ्रैंक के गाड़ी में आके बैठा है और फिर हमें पता चलता है कि ये फ्रैंक के डैड यानी फ्रैंक मार्टिन सीनियर रहते हैं और वो वहां अपना पेंशन लेने आए रहते हैं। उसके बाद फ्रैंक अपने डैड को एक गिफ्ट देता है और तभी फ्रैंक को एक कॉल आता है। तब उसके डैड उसे कॉल उठाने को कहते हैं पर वो कट कर देता है ये कह के कि वो ड्राइव के वक्त कॉल नहीं उठाएगा। उसके बाद एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी बैठा होता है और वो एक लड़की से किसी दूसरी लड़की के बारे में पूछ रहा होता है और तभी वो लड़की आ जाती है और उसे गोली मार देती है। उसके बाद वहां आग लगा के वो अपने डुप्लीकेट लाशर रख के दोनों वहां से भाग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक को अपने डैड के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है जहां फ्रैंक के डैड अपने फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्रैंक को एक डील के लिए किसी लड़की का कॉल आता है और वो डील के लिए मिलने के लिए तय करता है। उसके बाद उसी आदमी को दिखाया जाता है जो एना नाम की लड़की को धमका रहा होता है इससे पहले। उसका नाम करासोव रहता है और उसके साथ उसके दोनों साथी भी रहते हैं, एक का नाम यूरी और एक का नाम लियो रहता है। जहाँ ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी करासोव को कॉल आता है और उसे एक पुलिस वाले के पास दिखाया जाता है जो उसके आदमी को जले होने के बाद का देखने के लिए बुलाता है। जहाँ करासोव कहता है मेरे लिए कितने आदमी हैं जो काम करते हैं और वहाँ से निकल जाता है। तभी फ्रैंक को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है, ये वही लड़की रहती एना जो फ्रैंक के साथ डील कर रही होती है एक जगह से निकालने के लिए और डील फाइनल कर फ्रैंक वहां से चला जाता है। उसके बाद फ्रैंक के डैड को एक वाइन खरीद के आते हुए दिखाया जाता है जहां फ्रैंक का कॉल उसे आता है कि वो रात को नहीं आ पाएगा। तभी फ्रैंक के डैड को एक लेडी दिखती है जो अपनी गाड़ी के टायर चेंज कर रही होती है और जब फ्रैंक के डैड उसकी हेल्प करने जाते हैं तभी वो उसे एक शॉक दे के बेहोश कर देती और उसी गाड़ी में बंद कर देती है। उसके बाद फ्रैंक को आते हुए दिखाया जाता है जहां वो घड़ी देख रहा होता है कि डील के मुताबिक अगर देरी हुई तो वो वहां से चला जाएगा। पर वैसे ही एना आती है अपने बालों का कलर चेंज करके और बैठ जाती है। तभी फ्रैंक लगेज के बारे में पूछता है, वैसे ही दो लड़की आके उसके गाड़ी में बैठ जाती है। तभी फ्रैंक कहता है कि ये डील में नहीं था तो एना उसे एक वीडियो कॉल पे उसके डैड को दिखाती है जो एना के एक साथी ने फ्रैंक के डैड को किडनैप कर रखा होता है। उसके बाद एक पुलिस वाला वहां आके उसे बाहर निकलने को कहता है। वहीं फ्रैंक डील पे चलने का सोचता है और वहां से निकल जाता है और काफी चेजिंग के बाद एक पार्किंग में गाड़ी बदल के वहां से जाते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी ओर करास को बैंक के चोरी के वीडियो को दिखा के पूछा जा रहा होता है क्योंकि ये चोरी उसकी लॉकर की हुई होती है। पर करासो मना कर देता है उन्हें पहचानने से, पर अपना मार्क वाला लॉकेट उनके गले में दिखता है। फिर फ्रैंक को उन लड़कियों के साथ गोडाउन में आते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद जब फ्रैंक अपने डैड को ले जाने की बात करता है तब एना कहती है हमारा एक और काम करना होगा तुम्हें, अगर नहीं किया तो। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करती है एक बॉक्स में पॉइजन दिखा के कि उन लोगों ने उसके डैड को पिला दिया होता है उसके ड्रिंक में मिला के। उसके बाद करासो को अपनी लड़कियों को चेक करने के लिए बुलाता है पर वीडियो जैसी कोई लड़की वहां नहीं रहती है। उसके बाद उन्हें एना पे शक होता है और फिर एना को फ्रैंक के साथ एक हॉस्पिटल में आते हुए दिखाया जाता है। वो डॉक्टर पेशेंट बन के एक स्लीपिंग गैस लेने आते हैं और जब वो साइन करने के लिए कहता है तो फ्रैंक उसे मार कर बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां फ्रैंक के डैड को रोमांस करते हुए दिखाया जाता है और दूसरी ओर यूरी को अपने प्राइवेट प्लेन में वेट करते हुए उसके प्लेन के उड़ने का। फिर एना को अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में आते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पार्किंग से इंटर होते हैं और जाके डांस करने लगती है। दूसरी ओर लियो एक विंडो से देख रहा होता है। फिर फ्रैंक को गैस एक्सचेंज करते हुए दिखाया जाता है जहां एक आदमी आके उसे रोकता है।
तभी फ्रैंक उसे मारता और एक रूम में ला कर रखता है और फिर उसे पता चलता है कि वो लॉक हो चुका है तीन आदमियों के साथ और वो इशारा कर रहे होते हैं कि अगर किस चाहिए तो आके ले लो। उसके बाद एना को अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में जाकर वहां से मास्क निकाल कर पहनते हुए दिखाया जाता है, जहाँ दूसरी ओर फ्रैंक उनसे लड़ रहा होता है किस के लिए। वैसे ही वो गैस निकलना चालू हो जाता है और लियो वहीं बेहोश हो जाता है और तभी एना अपने दोस्तों के साथ आके उसके फिंगरप्रिंट लेती है और उसके कंप्यूटर से उनके बैंक अकाउंट से सारे पैसा ट्रांसफर कर लेती है। फिर वहां से निकलकर गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि फ्रैंक अब तक नहीं आया है, क्योंकि फ्रैंक उन लोगों से लड़ रहा होता है और फिर वो आता है। उसके बाद वैसे ही वहां कुछ और गुंडे आ जाते हैं तो फ्रैंक एना को कहता है गाड़ी में बैठने के लिए और कहता है कुछ नहीं टच करने के लिए और फिर वो गाड़ी में से निकल कर मार रहा होता है सबको और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद सबको मारने के बाद वहां चला जाता है। दूसरी ओर यूरी को दिखाया जाता है, वो वेट कर रहा होता है अपने पायलट का, जहां फ्रैंक के डैड और एना के फ्रेंड साथ में आते हैं और रीजन ये देते हैं कि यूरी के पायलट की तबीयत खराब है और उसी ने उनको भेजा है और फिर वो फ्लाइट उड़ाने की तैयारी करते हैं। तभी एना की दोस्त आती है और यूरी को उसके ड्रिंक में कुछ मिला के दे देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और तभी वो उसके फिंगरप्रिंट लेती और फ्रैंक के डैड को आके बोलती है। उसके बाद वो अपने को पायलट को मार के बेहोश कर देता है और वहां से भागने की तैयारी करता है, पर फ्रैंक जब तक नहीं पहुंच पाता है तो वो कॉल करता है फ्रैंक को और वैसे ही फ्रैंक आ जाता है, पर यूरी का बॉडीगार्ड आके एना की दोस्त को गोली मार देता है। उतरने के बाद अभी फ्रैंक के डैड उसे जैसे तैसे उतारते हैं। उसके बाद यूरी को होश में आते हुए दिखाया जाता है और फिर वो जाके अपने प्लेन को रोकता है। उसके बाद फ्रैंक को उन सब के साथ से प्लेस पे आते हुए दिखाया जाता है, जहां वो एना के दोस्त को उतारते हैं और उसका इलाज करते हैं। फिर करासो को लियो के साथ दिखाया जाता है, जहां वो कैमरा में फुटेज देख रहा होता है कि वही लड़कियां रहती, पर करासो को कहता है कि ये लड़कियां तुम्हारे सिंबल वाला लॉकेट क्यों पहनी हुई है। तब लियो और करासो में थोड़ा सा बहस होता है और फिर करासो को कॉल आता है कि यूरी को भी लूट लिया गया है। और दूसरी ओर एनोक फ्रैंक से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो करीब आते हैं और फिर अगले दिन वो तैयार होता है और अपने डैड उठाता है चलने के लिए। उसके बाद फ्रैंक अपने डैड को छोड़कर वहां से बढ़ जाता है। तभी फ्रैंक को करासो का कॉल आता है कि उसने उसके डैड किडनैप कर लिया है और उसे सारे लड़कियों के साथ बुलाता है। तब फ्रैंक को एना के पास आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो उन्हें उसके साथ चलने के लिए कहता है और ये भी कहता है तुम्हारी मर्जी हो या नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद वो सारे चीज वहां चलाने के बाद वहां से चल देता है और फिर उन्हें एक बोट में बैठकर करासो के यॉट पे पहुंचते दिखाया जाता है, जहां वो बात ही कर रहा होता है। और वैसे ही यूरी और लियो अपने अपने आदमियों के साथ वहां आ जाते हैं। तब करासो कहता है तुम सब यहां कैसे। तब लियो कहता है कि मीटिंग के लिए बुलाया होना। तब करासो कहता है मैंने कोई मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। तब यूरी एना से पूछता है तुम सब कौन हो। तब एना कहती है मैं करासो के लिए काम करती हूँ। तब करासो गन तान कर कहता है ये झूठ बोल रही है। तब लियो और यूरी को लगता है करासो ने उनके पैसे लिए और करासो को अपना अकाउंट दिखाने को बोलता है। और जहां हमें देखने को मिलता है दूसरी ओर एना की एक फ्रेंड पानी के रास्ते आके करासो का वेट कर रही होती है पासवर्ड टाइप करने के लिए। और जब करासो टाइप करता है तो उसके अकाउंट में 120 मिलियन ही रहते हैं, पर दूसरी ओर बेटी एना की दोस्त बाकी पैसे उसके अकाउंट में डाल देती है। और जब लियो और यूरी देखता है तो तीनों के पैसे करासो के अकाउंट में ही होते हैं और फिर वहां से फायरिंग स्टार्ट होती है और जिसमें यूरी और लियो मर जाते हैं। तब तक करासो के पैसे एना के साथ ही ट्रांसफर कर देती एना के अकाउंट में। और जब तक गोलीबारी के बीच में करासो के गर्लफ्रेंड को दिखता है कि कोई दूसरा यूजरशिप में है और वो वहां जाकर और उसे मार देती है। उसके बाद जब ट्राई करती है तो डिवाइस ओपन करने के लिए तो वो लॉक रहता है। तब एना की दोस्त उठी और करासो की गर्लफ्रेंड को मार देती और तभी फ्रैंक के डैड आके उसे गले लगाते हैं। फिर फ्रैंक को दूसरी ओर करासो के आदमियों के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है और वो उन लोगों को मार कर देखता है कि करासो एना को लेकर जा रहा होता है। तभी फ्रैंक भी उसके पीछे जाता है और जब करासो एना को एक गाड़ी में लेके जा रहा होता है तभी फ्रैंक आता है और डायरेक्ट उसके गाड़ी में घुस जाता है और फिर उसके पीछे भागता है जब तक एना होश में आती है और गाड़ी चला के भागती है। फिर
ग्रासो को भागते दिखाया जाता है, जहाँ फ्रैंक उसके पीछे भाग रहा होता है और दोनों में लड़ाई होती है। और जब ग्रासो फ्रैंक को मारने वाला रहता है, तभी एना उसे पीछे से गोली मार देती है। फिर दोनों में किस होता है और एना वहाँ से चली जाती है, ये कह के कि डील यहीं तक। उसके बाद सीन सेट होता है और फ्रैंक के डैड को उसी पुलिस ऑफिसर को एक्सप्लेन करते हुए दिखाया जाता है। और जब वो बाहर आते हैं तो फ्रैंक वहीं खड़ा रहता है और फिर वो दोनों चल देते हैं। फिर एना को अपने दोस्तों के घर और अकाउंट में पैसे भेजते दिखाया जाता है और फ्रैंक और उसके डैड को भी भेजते हुए दिखाया जाता है। और वैसे ही मूवी का एंड हो जाता है।